नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको मकर संक्रांति की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। मकर संक्रांति की कथा ग्रहों के राजा सूर्य और उनके पुत्र शनि देव की कहानी है। शनि देव की जन्म की कथा बहुत रोचक है। सूर्य देव की पत्नी का नाम संध्या था। संध्या बड़े कोमल स्वभाव की थी, जबकि सूर्य देव प्रचंड तेजवान थे। संध्या सूर्य देव के तेज को बड़े कष्ट से सहन कर पाती थी। सूर्य देवता का तेज बहुत अधिक था, जिसे लेकर संध्या परेशान रहती थी। वह सोचा करती थी कि मुझे किसी तरह तपस्या करके सूर्य देव की अग्नि को कम करना चाहिए। जैसे तैसे दिन बीतते गए। संध्या के गर्भ से वैवस्वत मनु, यमराज और यमुना तीन संतानों ने जन्म लिया। संध्या अब भी सूर्य देव के तेज से घबराती थी। फिर एक दिन संध्या परेशान होकर उन्होंने तपस्या करने का निर्णय लिया और वो सोचती थी कि तपस्या करके वो सूर्य देव के तेज को कम करेंगी। लेकिन बच्चों के पालन पोषण के लिए और सूर्य देव को इसकी भनक न लगे, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने तप से अपनी छाया को स्त्री रूप में बदला, जिसका नाम छाया रखा। संध्या ने बच्चों और सूर्य देव की जिम्मेदारी छाया को दी और कहा, अब से मेरी जगह तुम सूर्य देव की सेवा और बच्चों का पालन पोषण करते हुए नारी धर्म का पालन करोगे, लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में ही रहेगा। तुम इसके बारे में सूर्य देव को कुछ मत बताना। संध्या वहां से चलकर पिता के घर गई और उन्होंने अपनी परेशानी अपने पिता को बताई। तब पिता ने उन्हें डांट लगाते हुए वापस भेज दिया, लेकिन संध्या वापस न जाकर वन में चली गई और उन्होंने वहां पर तपस्या की। संध्या तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्य देव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ जो रह रही है वो संध्या नहीं, छाया है। छाया अपने धर्म का पालन करती रही। उसे छाया रूप होने के कारण उन्हें सूर्य देव के तेज से भी कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्य देव और छाया के मिलन से भी मनु, शनि देव और भद्रा तीन संतानों ने जन्म लिया। छाया भगवान शिव की भक्त थी। जब शनि देव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने सूर्य की तेज धूप में भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भूख, प्यास, धूप, गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनि पर भी पड़ा और उनका रंग काला हो गया। जब शनि देव का जन्म हुआ तो रंग को देखकर सूर्य देव ने छाया पर संदेह किया और उन्हें अपमानित करते हुए कह दिया कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। मां की तप की शक्ति शनि देव में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्य देव की तरफ देखा तो सूर्य देव बिल्कुल काले हो गए, उनके घोड़ों की चाल रुक गई। परेशान होकर सूर्य देव को भगवान शिव की शरण लेनी पड़ी। इसके बाद भगवान शिव ने सूर्य देव को उनकी गलती का एहसास करवाया। सूर्य देव अपने किए का पश्चाताप करने लगे और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। तब उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला, लेकिन पिता पुत्र का संबंध जो एक बार खराब हुआ फिर न सुधरा। आज भी शनि देव को अपने पिता सूर्य का विद्रोही माना जाता है। सूर्य देव तब से शनि देव से नफरत करने लगे थे। शनि देव को उनके पिता सूर्य देव पसंद नहीं करते थे। इसी कारण सूर्य देव ने शनि देव और उनकी मां छाया को अपने से अलग कर दिया। इस बात से क्रोध में आकर शनि और उनकी मां ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। पिता को कुष्ठ रोग में पीड़ित देख यमराज ने तपस्या की। यमराज की तपस्या से सूर्य देव कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए, लेकिन सूर्य देव ने क्रोध में आकर शनि देव और उनकी माता के घर कुंभ को जला दिया। इससे दोनों को बहुत कष्ट हुआ। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देख उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य देव को समझाया। यमराज की बात मानकर सूर्य देव शनि से मिलने उनके दूसरे घर मकर में पहुंचे। कुंभ में आग लगाने के बाद वहां सब कुछ जल गया था, शिवाय काले तिल के अलावा। शनि देव ने उन काले तिलों को अपने पिता सूर्य देव को समर्पित करने के लिए अपने साथ बांधकर अपने दूसरे घर मकर में ले आए थे। इसलिए शनि देव ने अपने पिता सूर्य देव की पूजा काले तिल से की। तभी से मान्यता है कि शनि देव को तिल की वजह से ही उनके पिता घर
और सुख की प्राप्ति हुई, तभी से मकर संक्रांति पर सूर्य देव की पूजा के साथ तिल का बड़ा महत्व माना जाता है। यमराज की बात मानकर सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने जिस दिन उनके दूसरे घर मकर में पहुंचे थे, उस दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।